स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आपके द्वारा दिए गए गिफ्ट को कोई आपके खिलाफ वेपन की तरह यूज करे तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है विश्वासघात जैसा गहरा जख्म देगा, और ऐसा ही कुछ किया है म्यांमार ने। कहते हैं कि 1948 में पीएम नेहरू ने बर्मा की आजादी के मौके पर कोको आइलैंड को बर्मा को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इंडिया द्वारा गिफ्ट में दिया गया यही कोको आइलैंड आज हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया जा रहा है। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि म्यांमार हमारे खिलाफ कोई जंग की शुरुआत करने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल यहां भी इंडिया को चारों तरफ से घेरने की साजिश करने वाले चीन का ही हाथ है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कैसे इसके द्वारा चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या फिर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। धीरे धीरे चाइना हमारे पड़ोसी देशों में अपना नेवल प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है, और हाल ही में दोस्तों चाइना का इन्वॉल्वमेंट म्यांमार के कोको आइलैंड में भी देखने को मिला है। ब्रिटेन के थिंक टैंक चैटम हाउस ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कई सारी सैटेलाइट्स इमेजेस से साफ साफ देखा गया है कि कोको आइलैंड में एयरक्राफ्ट हैंगर्स बना दिए गए, और जो 1300 मीटर्स का रनवे था उसे अब 2300 मीटर्स कर दिया गया है। इसके साथ ही कई सारी सर्विलेंस फैसिलिटीज भी कोको आइलैंड में बनती जा रही है। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोको आइलैंड की लोकेशन इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बस 45 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कोको आइलैंड के जरिए चाइना इंडिया के बहुत नजदीक आ सकता है, और कोको आइलैंड भारत के अगेंस्ट उसका सबसे वाइटल मिलिट्री बेस साबित हो सकता है। और जब इंडियन ऑफिशियल्स ने म्यांमार रेजिम को ये सैटेलाइट इमेजेस दिखाकर कन्फ्रंट किया तो उन्होंने साफ साफ इसे डिनाई कर दिया। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज किस वीडियो में हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कोको आइलैंड कैसे और कब म्यांमार का हिस्सा बन गया, चाइना और कोको आइलैंड का कनेक्शन क्या है, और कैसे कोको आइलैंड को यूज कर इंडिया की सिक्योरिटी को टारगेट किया जा रहा है। आइए सबसे पहले कोको आइलैंड की ज्योग्राफी को देखते हुए उसके इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, कोको आइलैंड बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है। ये कुल 5 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नॉर्दर्न साइड पर ग्रेट कोको रीप पर 4 आइलैंड्स बसे हुए। इनमें स्लिपर आइलैंड, टेबल आइलैंड, ग्रेटर कोको आइलैंड और जेरी आइलैंड मौजूद है, जबकि साउथ में लोकेटेड लिटिल कोको रीप पर लिटिल कोको आइलैंड मौजूद है। डेमोग्राफी की बात करें तो कोको आइलैंड पर लगभग 1000 लोग रह रहे हैं, और इनमें से अधिकतर लोग म्यांमार मिलिट्री के ही हैं। यानी कोको आइलैंड की अपनी कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं है, यहां म्यांमार के दूसरे हिस्सों से आकर ही लोग बसे हुए हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो कोको आइलैंड का नाम पोर्टुगीज से मिला, जो कोकोनट को कोको बुलाते थे। कहा जाता है कि प्री ब्रिटिश एरा में कोको आइलैंड इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री के बाद इस आइलैंड पर कभी ब्रिटिश इंडिया तो कभी ब्रिटिश बर्मा का कंट्रोल रहा, और 18 सेंचुरी में पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। दोस्तों, उस दौर में आइलैंड अंडमान निकोबार में रह रहे ब्रिटिश एम्प्लॉयज और प्रिजनर्स के लिए सोर्स ऑफ फूड था। जब 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया, तब कोको आइलैंड एक सेल्फ गवर्निंग क्राउन कॉलोनी बन गया। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के समय हमें एक और मेजर चेंज देखने को मिला था। जापानीज आर्मी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अपने कब्जे में कर लिया था, इसके साथ ही कोको आइलैंड भी उनके कंट्रोल में आ गया था। इसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज ने जापानीज से अंडमान और निकोबार का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि अंडमान आइलैंड से कोको आइलैंड बहुत नजदीक था, इसलिए उन्हें कोको आइलैंड पर भी एक इफेक्टिव कंट्रोल मिला। लेकिन दोस्तों, 1948 में जब बर्मा आजाद हुआ, तब कोको आइलैंड को उसकी सॉवरन टेरिटरी में शो किया गया। यहां पर मजेदार बात यह है कि इस आइलैंड की सॉवरेंटी पर कई सारे पॉलिटिकल डिबेट चलते रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि कोको आइलैंड इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन 1948 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट के तौर पर इस आइलैंड को बर्मा को दे दिया। दोस्तों, इस क्लेम को सबसे पहले लाइमलाइट में लाने का काम किया फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने। साल 2003 के दौरान उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम नेहरू ने बर्मा को कोको आइलैंड गुडविल दिखाते हुए डोनेट कर दिया था। उनका कहना यह भी था कि इस एक्शन से इंडिया ने एक वाइटल स्ट्रेटजिक एसेट को गंवा दिया। हालांकि दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक हमारे पास कोई हिस्टोरिकल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस क्लेम को वेरीफाई करता हो, लेकिन इतना तो साफ है कि इंडिया का कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
कोको आइलैंड से जुड़ा रहा है। दोस्तों हमने इंडिया के कनेक्शन को तो समझ लिया, आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर चाइना का इससे क्या कनेक्शन है। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार 1994 में म्यांमार ने कोको आइलैंड चाइना को लीज पर दे दिया था। हालांकि म्यांमार और चाइना दोनों ही देश इसे डिनाई करते हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में साफ साफ देखा गया है कि चाइना ने कोको आइलैंड पर अपनी मिलिट्री एंड सर्विलेंस एक्टिविटीज बढ़ा दी है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बहुत मजबूत कर ली है और अब चाइना की नजर इंडियन ओशन पर है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि फरवरी 2021 में म्यांमार के कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मिन ऑंग हलिंग ने मिलिट्री कू करके वहां की सत्ता हथिया ली थी। कहा जाता है कि इस मिलिट्री कू में कहीं न कहीं चीन का ही हाथ था। और अगर आपको याद हो कि आंग सान सू की रेजीम के दौरान म्यांमार और इंडिया के बीच काफी अच्छे संबंध डेवलप हो रहे थे, यहां तक कि दिसंबर 2020 में म्यांमार की डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंडिया की तरफ से भेजी गई सबमरीन को एक्सेप्ट भी कर लिया था। दोस्तों ये पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सबमरीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है और जो भी देश इसे जिस भी कंट्री से इंपोर्ट करता है उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों इंडिया और म्यांमार के इसी रिलेशनशिप को देखकर चाइना परेशान था। खबरें तो ये भी आने लगी थी कि आंग सान सू की गवर्नमेंट चाइना के बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करने के सपने के बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल थी। दोस्तों इसी को देखते हुए चाइना की मदद से वहां पर मिलिट्री कू हुआ। इस बात को लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हुआ। म्यांमार के लोगों ने चाइनीज एम्बेसी के सामने शेम ऑन यू चाइना के नारे भी लगाए थे। वैसे तो इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर टाइमलाइन देखी जाए तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। दिसंबर 2020 में म्यांमार इंडिया से सबमरीन एक्सेप्ट करता है और ठीक दो महीने बाद वहां पर मिलिट्री कू हो जाता है। दोस्तों ये इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इत्तेफाक की कोई जगह नहीं होती। दोस्तों कहते हैं कि कम्युनिस्ट हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं और ये बात हमने चाइना और म्यांमार के अभी के लीडर मिन ऑंग हलिंग की रेजीम में देख ली है। द अटलांटिक के एक पोस्ट के अनुसार जब मिलिट्री कू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था तब चाइनीज टेक्नीशियन की मदद से म्यांमार के इंटरनेट को हॉल्ट कर दिया गया था ताकि प्रोटेस्टर्स कम्युनिकेट न कर पाए। दोस्तों यहां तक माना जाता है कि प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए चाइना ने ही म्यांमार के मिलिट्री को हथियार सप्लाई किए थे। चाइना को म्यांमार को सपोर्ट करने का एक और बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल चाइना का 40-60% ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए पास होता है और चाइना को इस बात का डर है कि अगर किसी दिन चाइना वॉर पर चला जाएगा और किसी ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दिया तो उसका असर चाइनीज ट्रेड पर बहुत बुरा पड़ेगा। दोस्तों इसी को काउंटर करने के लिए चाइना इंडियन ओशन के हर कोने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इसी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए वो सीपैक की तरह म्यांमार के साथ भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर सीमैक को प्रमोट कर रहा है और यहां पर चाइना बहुत बड़े निवेश की तैयारी में है। ऐसे में इंडिया के लिए कैसे एक थ्रेट है, आइए इसे भी समझते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2019 में चाइनीज रिसर्च वेसल शियानवन पोर्ट ब्लेयर के पास स्पॉट किया गया था। दोस्तों आशंका जताई गई कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे कर रहा है। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने कई फिशिंग ट्रैवलर्स को अंडमान आइलैंड के पास से पकड़ा भी है क्योंकि उनका फ्लैग भले ही म्यांमार का हो पर उनके स्टाफ चाइनीज थे और तो और उनके पास रेडियो और डेप्थ साउंडिंग इक्विपमेंट्स भी थे। दोस्तों बे ऑफ बंगाल का रीजन इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि अंडमान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर है जहां चांदीपुर में हमारी डिफेंस फोर्सेस मिसाइल्स टेस्ट करती हैं। वहीं ठीक उसके नीचे कलाम आइलैंड है जहां साइंटिस्ट मिसाइल का टेस्ट करते हैं। ऐसे में अगर चाइना स्पाई सबमरीन हमारे आसपास भेज रहा है इसका मतलब ये हो सकता है कि रडार के माध्यम से वो हम पर नजर रख रहा है। वहीं दोस्तों बे ऑफ बंगाल रीजन में बैरियर आइलैंड पर इसरो का श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन भी लोकेटेड है। अगर चाइना अंडमान के नजदीक कोको आइलैंड पर अपना सर्विलेंस स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो ये इंडिया की डिफेंस एजेंसी के लिए नहीं बल्कि स्पेस एजेंसी के लिए भी बड़ा खतरा होगा। दोस्तों इन सब से हम साफ साफ कह सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस कोको आइलैंड पर इंडिया की सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऐसे में इंडिया इसे कैसे काउंटर कर सकता है, आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया को सोच समझ कर एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सबसे पहले अगर ये बात सच है कि इंडिया ने म्यांमार को कोको आइलैंड गिफ्ट में दिया था तो सबसे पहले हमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ढूंढने चाहिए। अगर वो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसने म्यांमार को 1948 में इसलिए उस आइलैंड को डोनेट किया था
क्योंकि म्यांमार भी एक न्यूली इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी बन रहा था। लेकिन अब वहां पर डेमोक्रेटिक रूल ना होकर मिलिट्री रूल लगा दिया गया है, तो हम अपने डोनेट किए गए कोको आइलैंड को वापस लेने का राइट रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वैलिड प्रूफ हो कि कोको आइलैंड हमारा था। दोस्तों, इसके अलावा 1990 में भी इंडिया को चाइनीज इन्फ्लुएंस का शक हुआ था। उस वक्त वहां की म्यांमार रेजिम ने एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज के तहत इंडियन नेवल फोर्सेस को अलाउ किया था कि वो खुद जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सेम रीजंस के साथ एक बार फिर से हम म्यांमार को फोर्स कर सकते हैं और उनको एक एग्रीमेंट पर ला सकते हैं। साथ ही भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड पर अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन कर सकता है। इसके अलावा कोको आइलैंड के पास हमारा लैंडफॉल आइलैंड पड़ता है, वहां पर हम डीप सी टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करके चाइना की मैरिटाइम एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इंडिया अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स लाइक म्यांमार, सुमात्रा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर सकता है, और बाद में एक यूनिफॉर्म ग्रुप की तरह हम ग्लोबल फोरम में चाइना को एक्सपोज कर सकते हैं। और अगर इन सभी पीसफुल स्टेप्स के बाद भी कोई सिचुएशन सॉल्व होती नजर ना आए या और वर्स होने लगे, तो उस स्टेज पर हम कोको आइलैंड को फोर्सफुली अनेक्स करने का भी स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, रोहिंग्या आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। म्यांमार से आए रोहिंग्या रेफ्यूजीज को कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर इंडिया चाहे तो अपनी नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम और रोहिंग्या की प्रॉब्लम का हवाला देते हुए कोको आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकता है। दोस्तों, इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी को बस ये बताना पड़ेगा कि उस आइलैंड का इस्तेमाल रोहिंग्या को बसाने के लिए करेगा, और इसी के साथ तीनों देशों की रोहिंग्या प्रॉब्लम और इंडिया की सिक्योरिटी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सकती है। एक अथेनियन पॉलिटिशियन एंड जनरल थेमिस्टोक्लीज का एक कोट है, ही हु कंट्रोल्स द सी कंट्रोल्स एवरीथिंग। इस कोट को देखकर लगता है कि चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी इसी से इंस्पायर होकर बनाई है। ऐसे में इंडिया को भी इसको काउंटर करने के लिए कुछ ऐसे ही एसर्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। दोस्तों, चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। साथ ही दोस्तों, समय आने पर दुनिया को यह बताना होगा कि इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। वैसे दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या कोको आइलैंड को वापस इंडिया में मिलाने का समय आ गया है? इस पर अपने विचार हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।